क्लास 5 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन 17। आज इसमें हम रीड करेंगे क्लास पेज नंबर 99। क्लास 5 लेसन 17 इंडिया विंस फ्रीडम पेज नंबर 99। लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। द इंडियन नेशनल कांग्रेस आस्क्ड द ब्रिटिश रूलर्स टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द इंडियंस। क्लास हमने लेसन 16 में पढ़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश रूलर्स को भारतीयों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के बारे में कहा। द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ कांग्रेस लीडर वरिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कांग्रेस लीडर्स की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी चिंतित थी। दे मेड लॉज टू इंक्रीज डिसयूनिटी अमंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम। उन्होंने कुछ कानून बनाए थे जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिसयूनिटी यानी कि अनेकता जो है फैल जाए। दे यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन इंडिया। उन्होंने भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। द अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर कॉल्ड मॉडरेट्स। कांग्रेस के जो पहले लीडर थे स्टार्टिंग के लीडर थे वो मॉडरेट्स कहलाते थे। एज दे एक्चुअली रिक्वेस्टेड फॉर रिफॉर्म्स क्योंकि वो रिफॉर्म्स के लिए सुधार के लिए रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। सम लीडर्स लाइक बाल कुछ लीडर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल एटसेट्रा वांटेड टू अपोज स्ट्रॉन्गली द ब्रिटिश रूलर्स। ये सभी नेता जो थे वो ब्रिटिश रूलर्स का स्ट्रॉन्गली यानी कि मजबूती से विरोध करते थे। दे वांटेड स्ट्राइक्स एंड बायकॉट से स्ट्राइक और बायकॉट का यूज करते थे। दीज लीडर्स वर कॉल्ड रेडिकल्स इन्हें रेडिकल्स कहा जाता था। द रेडिकल्स वांटेड इंडियंस टू मेक सेक्रीफाइस फॉर अचीविंग फ्रीडम। रेडिकल्स चाहते थे कि भारतीय फ्रीडम को गेट करने के लिए अपना सेक्रीफाइस करें बलिदान करें। तिलक वंस सेड तिलक ने एक बार कहा फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। द ब्रिटिश रूलर्स वांटेड टू ब्रेक द यूनिटी अमंग इंडियंस। ब्रिटिश शासक भारतीयों के बीच में एकता को तोड़ना चाहते थे। दे प्लान द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 विच वॉज स्ट्रॉन्गली अपोज्ड। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन 1905 में किया जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। द कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट एंड आस्क द पीपल टू बायकॉट ऑल ब्रिटिश गुड्स। कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जिसमें कहा गया कि सभी लोग जो है सभी ब्रिटिश वस्तुओं का गुड्स का बहिष्कार करेंगे बायकॉट कर देंगे। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल ये मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। द ब्रिटिश रूलर्स हैड टू कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसके कारण ब्रिटिश रूलर्स को पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कैंसिल करना पड़ा। क्लास आज हमारी रीडिंग यहीं तक रहेगी।